हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मंथ ऑफ मार्च 2024 की मंथली प्रेडिक्शन। सो पहले तो अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड पे हैं, आपके मून साइन या सन साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंट साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग मंथ एंड यू कैन मेक योर लाइफ ईजी एंड बेटर थ्रू वर्शिप एंड चैंटिंग। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की मंथ ऑफ मार्च 2024 के बारे में। देखिए जेमिनी, आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, यानी कि जेमिनी असेंडेंस के अकॉर्डिंग, मैंने इस मंथ की प्रेडिक्शन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट मार्च से लेकर 15th मार्च 2024 तक, फिर 16th मार्च से लेकर 31st मार्च 2024 तक। सो पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। जेमिनी, हेल्थ को लेके 1st मार्च से लेकर 15th मार्च तक का जो पीरियड है कुछ क्रूशल रहेगा। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ट्रबल आ सकती है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगी, दिमाग के घोड़े बहुत ज़्यादा दौड़ेंगे, जिससे हेडेक हो सकता है, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो सकती है, आपको कोई दवाई लेनी पड़ सकती है। ये समय रहेगा जब आपको सीजनली प्रॉब्लम भी हो सकती है, नेक में कोई दिक्कत आ गई, नोज में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको पहले 15 दिन चलना है। इस समय में आपने खास करके अपने बैकबोन से संबंधित थोड़ा केयरफुल होके चलें, जिम योगा ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा अलर्ट होके चलें। किसी किस्म के भी नेगेटिव सिम्टम अगर आपको पहले 15 दिन बॉडी से रिलेटेड जेमिनी मिलते हैं तो नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें, अदरवाइज चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगी आपकी हेल्थ को लेके। आपका जो लेजीपन है वो बहुत ज़्यादा पहले 15 दिन बढ़ जाएगा। करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आलस ने घेरा हुआ है, इस चीज़ को अवॉइड करें। 16th मार्च से लेके 31st मार्च तक का जो पीरियड होगा, पूरी गेम आपकी हेल्थ को लेके चेंज हो जाएगी। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, यू विल एंजॉय गुड मेंटल पोजिशन, आपकी जो थॉट्स हैं बड़ी पॉजिटिव होंगी, मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा, एंग्जाइटी कम हो जाएगी, उलझने दिमाग में जो चल रही थी वो कम हो जाएंगी। कोई भी अगर शारीरिक प्रॉब्लम थी तो सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में 16th मार्च से 31st मार्च तक का जो पीरियड होगा आपके लिए अल्टीमेट होगा, व्हेन यू विल फील वेरी मच पॉजिटिविटी एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स। और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको परेशान सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में नहीं करेंगे। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। 1st मार्च से लेकर 15th मार्च तक का टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लेकर आ रहा है। बहुत केयरफुल जेमिनी आपने होके चलना है, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, किसी को पैसा उधारी नहीं देना, किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी। ये सारा टाइम फ्रेम अपने पार्टनर्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ पोलाइट टॉक में रहना है, पार्टनर के साथ अपने गलत तरीके से बात नहीं करनी, चाहे लाइफ पार्टनर है चाहे बिजनेस पार्टनर है। ये सारा समय आपका आपके सिबलिंग्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ये समय आपका बिजनेस पार्टनर से आपके स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। 1st मार्च से 15th मार्च तक जेमिनी You need to be careful and alert this whole time, create lot of unbalancing situation. You may be a part of any tension. और आपका पैसा जो होगा इस समय बड़ा टाइट रहेगा, क्रंच रहेगा पैसे का, कैश फ्लो वैसा नहीं होगा जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, इनकम वैसी नहीं होगी पहले 15 दिन जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। ये सारा समय कोई नया बिजनेस स्टार्ट ना करें, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स ना करें, किसी को उधारी पैसा ना दें, ना किसी के से पैसा पकड़ें, जो जैसी ज़िंदगी चल रही है उसको वैसे ही चलाएं और अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करें। 16th मार्च से लेकर 31st मार्च तक के बीच में आपको यहाँ पे स्मार्ट गेन्स होंगे, प्रोफेशनल ग्रोथ देखने को मिलेगी, हर एक लिहाज से आपकी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, आपके रिलेशनशिप भी ऑन द ट्रैक आ जाएंगे, स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर या सिबलिंग्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है आपका स्पाउस, आपके बिजनेस पार्टनर आपको सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में कोई सपोर्ट करें या कोई अच्छी एडवाइस दें। ओवरऑल फॉरन से आपके बहुत अच्छे टाई अप या फॉरन से बहुत अच्छे कनेक्शन आपके 16th मार्च से 31st मार्च के बीच में बनेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज आपको खुश रखेंगी, आपको शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी से बेनिफिट होगा जिससे आपको खुशी मिलेगी। या अगर आप कोई सप्लाई का काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सप्लाई के थ्रू बेचते हैं, तो ये समय आपके लिए लाजवाब रहेगा। 16th मार्च के बीच, 16th मार्च से 31st मार्च के बीच में आपके प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू बनेगी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आपकी बहुत अच्छी रहेंगी, सेविंग्स आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, रिसोर्सेज आपके बिल्ट होंगे। लोन अप्लाई कर रहे हैं तो 16th मार्च के बाद आपको लोन मिल जाएगा। दिस विल बी अ गुड टाइम व्हेन यू विल एंजॉय नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी। यूर सीनियर्स आर सेटिस्फाइड फ्रॉम योर परफॉर्मेंस इफ यू आर इन अ जॉब, बट यू नीड टू परफॉर्म योर 100% एफर्ट्स, यू नीड टू पुट योर 100% एफर्ट्स एट योर वर्क प्लेस। कैश फ्लो विल मेक यू हैप्पी इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ मार्च 2024। ओवरऑल इस सारे महीने में आपको बहुत फोकस्ड होके चलना है, लेजीनेस बिल्कुल नहीं दिखानी, किसी भी काम को कल पे जेमिनी आपने नहीं छोड़ना।
आज पे ही सारे काम क्लियर करेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत बेहतर होंगी, और खास करके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। पहले 15 दिन आपके लिए जरूर थोड़ा स्ट्रगल और हार्डवर्क लेकर आ रहे हैं, चीजें उस तरह से वर्कआउट नहीं करेंगी, लेकिन 16 मार्च के बाद पोजिशन में बहुत बड़ा चेंज आएगा जिसमें आपकी चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी और हर एक तरह से आपको नेम, फेम और प्रोस्पेरिटी मिलेगी। लेकिन ये टाइम आपको बहुत ज्यादा अलर्ट और बहुत ज्यादा आपको सावधानी से चलना है, इस सारे टाइम में आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर चलना है। और 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में हो सकता है स्टॉक मार्केट से आपको बड़ा मुनाफा हो जाए या इंट्राडे या कॉमोडिटी से अच्छा खासा धन लाभ हो जाए, खास करके अगर आप सिंगर हैं या आप कोई बॉलीवुड से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, टीवी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, आर्टिस्ट हैं, तो भी ये टाइम आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में, व्हेन यू विल एंजॉय लॉट ऑफ फाइनेंसेस और यू मे साइन न्यू कॉन्ट्रैक्ट और न्यू डील। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, या आप अपना इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे अकाउंट रन करते हैं, तो उसके थ्रू भी आपको काफ़ी अच्छी इनकम देखने को 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में मिलेगी। जमनी ये टाइम आपको बहुत फोकस्ड होकर और अपनी परफॉर्मेंस की ओर ध्यान देके चलना है, तो ये समय में आपको अच्छा खासा मुनाफा और धन लाभ देखने को मिलेगा, जिससे आप अपने डेब्ट्स को क्लियर करेंगे और आपको फुल्ली सपोर्ट आपको आपके स्पाउस से, आपके पार्टनर से सेकेंड पार्ट ऑफ द मार्च 2024 में मिलेगी। अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। देखिए, पर्सनल लाइफ में पहले 15 दिन आपने बहुत अलर्ट होकर चलना है। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या स्पाउस के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या स्पाउस के साथ किसी कारण को लेकर आप बदतमीजी से पेश आएंगे जिससे आपका रिश्ता थोड़ा डाउन साइड पर चला जाएगा। जेमिनी, पहले 15 दिन आपने अपने स्पाउस के साथ, या आपका अफेयर है, आपकी लव लाइफ चल रही, तो अपने लवर के साथ बहुत ज्यादा केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है। वे ऑफ टॉकिंग की ओर बहुत ध्यान देकर चलना है, गुस्सा एरोगेंस नेचर में बिल्कुल भी नहीं आना, तो चीजें बेटर रहेंगी। अदरवाइज आपके स्पाउस की हेल्थ या आपके साथ रिलेशनशिप, दोनों में से एक सेक्टर पहले 15 दिन वीक रहेगा। 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में यू विल गेट अ फुल्ली सपोर्ट फ्रॉम योर स्पाउस। अनमैरिड है तो शादी हो सकती है, कोई नया अफेयर भी स्टार्ट हो सकता है, या अफेयर आपका शादी में कन्वर्ट हो सकता है। मैरिड है, स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड, हेल्थ, वेल्थ विल बी अल्टीमेट, यू विल गेट सक्सेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। दिस विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव एंड रिवार्डिंग टाइम, एंड यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। दिस होल टाइम ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू व्हेन यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। लेकिन आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशन से संबंधित जो सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ है, इसमें आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, और इस समय में आपको मौके मिलेंगे अपने रिश्तों को सुधारने के। तो किसी भी चीज को लेकर लिंगर ऑन ना करें सेकेंड पार्ट में, किसी भी चीज को लेकर अवॉइड ना करें, चाहे दोस्तों के साथ रिश्ता खराब है, चाहे आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो कम्युनिकेशंस के थ्रू आपकी चीजों का हल सेकेंड पार्ट ऑफ द मार्च 2024 में देखने को मिलेगा। इस सारे वीक में आपने हर रोज सुबह दुर्गा सप्तशी का पाठ करना है, 3 बार 5 बार या 7 बार। जितना ज्यादा आप दुर्गा सप्तशी का पाठ करेंगे हर रोज सुबह, आपके लिए अच्छा रहेगा। गणेश चालीसा का उच्चारण करना है हर रोज सुबह 3 बार 5 बार या 7 बार। और वेनसडे वाले दिन आपने मोतीचूर के लड्डू गणेश भगवान को भोग लगाने हैं। आपकी हेल्थ, वेल्थ, आपके रिलेशनशिप और प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है। एक एमरल्ड राइट हैंड की रिंग फिंगर में, जहाँ पे हम रूबी डालते हैं, लिटिल फिंगर में नहीं, राइट हैंड की रिंग फिंगर में आपने एमरल्ड डालना है, और आपकी प्रोफेशनली और पर्सनल लाइफ की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं कैंसर असेंडस की। कैंसर आपके लिए मार्च 2024 क्या स्टोर करके ला रहा है, मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपका करक लगन है तो इस प्रेडिक्शन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 मार्च से 15 मार्च और 16 मार्च से 31 मार्च। पहले बात करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द मार्च 2024 की। देखिए, हेल्थ को लेकर ये टाइम बहुत प्रॉमिसिंग रहेगा। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। पहले 15 दिन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं है, बड़े ही पॉजिटिव माइंडसेट है, बहुत ज्यादा आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, बहुत ज्यादा फोकस्ड है आप चीजों को लेकर, और माइंड आपका बहुत ज्यादा फ्रेश आप फील करेंगे। लेकिन 16 मार्च से 31 मार्च तक चीजें आपके हेल्थ के लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगी। एसिडिटी प्रॉब्लम आपको होगी, स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको होंगे, या स्टमक रिलेटेड कोई पेन रह सकती है, या स्टमक रिलेटेड कोई इश्यू रह सकता है, और बैकबोन रिलेटेड ट्रबल रह सकती है। 16 मार्च से 31 मार्च तक आपने अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर होकर चलना है। जिम, योगा जरूर करनी है,
ओवर फूडिंग बिल्कुल नहीं करनी, ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी। जितना ज्यादा ओवर ईटिंग की ओर ध्यान कम देंगे उतना ज्यादा अच्छा है। 16th मार्च से 31st मार्च के बीच में आपने खाने पीने में बहुत परहेज रखना है। ऑयली फूड, जंक फूड, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना, तो चीजें आपके लिए अच्छा काम करेंगी। अदरवाइज हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज आपके बन सकते हैं, आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। मंथ ऑफ मार्च में आपको 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में अगर कुछ इश्यूज अराइज होते दिखते हैं तो नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। कैंसर असेंडेंस मंथ ऑफ मार्च, फर्स्ट पार्ट 1st मार्च से लेकर 15th मार्च तक फाइनेंशियल गेन्स आपको बहुत अच्छे होंगे। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो टाइम बड़ा अच्छा है, लेकिन स्ट्रगल, हार्डवर्क, एफर्ट सारा महीना फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट ऑफ द मार्च में चलता रहेगा, लेकिन हार्डवर्क के बाद जो रिजल्ट्स हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द मार्च में आपको अल्टीमेट मिलेंगे। आपकी हार्डवर्क टू टाइम सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप फोकस्ड हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, तो नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। इन्वेस्टमेंट्स को लेके नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपका जब हार्डवर्क जो है वो सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा और आप बड़े सेटिस्फाई रहेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ विल बी अल्टीमेट फॉर यू। अनएम्प्लॉयड है, आपको नौकरी मिल सकती है। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो पहले 15 दिन बहुत अच्छे हैं। लोन लेना चाहते हैं तो पहले 15 दिन बहुत अच्छे हैं। किसी किस्म की भी कोई एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं या किसी किस्म की कोई भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो पहले 15 दिन विंडो आपके लिए ओपन है। यहाँ पे नए पार्टनर्स या नए इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे। हर एक तरह से पॉजिटिविटी आपकी बनी रहेगी और मेंटल स्टेबिलिटी आपकी चलती रहेगी। 16th मार्च से लेकर 31st मार्च तक रिसोर्सेज को लेकर प्रॉब्लम आएगी। बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं, या आप कोई रेस्टोरेंट रन करते हैं, होटल रन करते हैं, तो दिस टाइम क्रिएट लॉट ऑफ इश्यूज। आपको अपने खर्चों की ओर ध्यान देना होगा, कर्जे की ओर ध्यान देना होगा, बैंक से रिलेटेड कोई इश्यू अराइज हो सकता है। फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को लेके सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू कैंसर। बहुत ज्यादा हार्डवर्क और एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। फॉरेन ट्रैवल को भी अवॉइड करें, किसी किस्म की फॉरेन जर्नी में ना जाएं। किसी के साथ बिजनेस में आर्गुमेंट्स नहीं करने, फॉल्स कमिटमेंट किसी के साथ नहीं करनी। बी हम्बल, बी पोलाइट और जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। आपको इस सारे समय बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होके चलना है और बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान देके चलना है। किसी को ना फॉल्स कमिटमेंट करें और खास करके इस समय में कोई लोन अप्लाई ना करें, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच आपको सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में देखने को मिलेगा, जिससे आप घबराकर लोन अप्लाई की ओर जाएंगे, जिसमें आपका काफ़ी पैसा खर्च हो सकता है और आपके हाथ भी अभी पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा 31st मार्च तक। तो किसी की भी बातों में आकर आपने लोन अप्लाई नहीं करना या कर्ज नहीं लेना। पर्सनल फाइनेंस भी आपने किसी से बोरो पैसे नहीं करने जो आपसे वापस नहीं दे होंगे। अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की। कैंसर पर्सनल लाइफ को लेकर जो पहले 15 दिन हैं ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, रिश्तों में अगर कोई तनाव था तो आप उसको मैनेज कर लेंगे। दोस्तों के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। हो सकता है कोई दोस्त आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे या किसी दोस्त के साथ फ्यूचर में आपको बिजनेस प्लानिंग की बातचीत आपकी पहले 15 दिन मार्च के स्टार्ट हो जाए। लेकिन घर का माहौल बहुत अच्छा है, घर के साथ, वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में सिचुएशन बहुत वर्स्ट होने वाली है। स्पाउस के साथ आपकी तूतू मैमे होगी, डिवोर्स तक की नौबत, सेपरेशन तक की नौबत रह सकती है। अगर आपके ऊपर राहु केतु की दिशाएं चल रही हैं या शनि की दिशा चल रही है तो ये टाइम आपके लिए बड़ा क्रूशियल होगा। इस सारे समय में आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के चलना होगा। आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, ब्रेकअप हो सकता है, या आपकी मैरिटल लाइफ में कोई इश्यूज आएंगे। बच्चों के साथ आपके रिश्ते ज़्यादा अच्छे सेकंड पार्ट ऑफ द मार्च में कैंसर नहीं रहेंगे। घर का माहौल खराब है, मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, वाइफ के साथ रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही है, या आपके मदर या आपकी वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग सेटलमेंट नहीं हो पा रही, जिस वजह से उसका इफेक्ट आपके मेंटल पीस पे पड़ रहा है। तो इस सारा समय आपको बहुत बैलेंस बना के चलना है अपनी पर्सनल लाइफ में। कैंसर, अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ चैलेंज इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। जहां तक हो सकता है कम्युनिकेशन के थ्रू टेबल पे बैठ के चीजों का समाधान निकाल लें सेकेंड पार्ट ऑफ द मार्च में, अदरवाइज चीजें उलझती चली जाएंगी। कम्युनिकेशन अपने स्पाउस के साथ बंद ना होने दें और अपने मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। अपने मदर के साथ अपने स्पाउस की बॉन्डिंग को बनाने में हेल्प करें। कभी कभी कुछ चीज़ें कम्युनिकेशन से सॉल्व होती हैं और अगर हम कम्युनिकेशन ही बंद कर देते हैं तो चीज़ें बिल्कुल ही खराब हो जाती हैं। तो आपको कम्युनिकेशन बंद नहीं करना, सिर्फ परफॉर्म करना, ईमानदारी के साथ अपने रिश्तों को बचाने की ओर ध्यान देना, उस तरफ परफॉर्मेंस करनी है, तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी वर्कआउट फॉर यू। ओवरऑल सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी स्ट्रगलिंग इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। अगर कोई अपॉर्चुनिटी शादी की आ रही है, अनमैरिड है, तो 16th मार्च से 31st मार्च के बीच में बिल्कुल भी आपने उस
तरफ इन्वॉल्व नहीं होना या कोई ऐसा मेजर डिसीजन नहीं लेना। अब रेमेडी क्या करनी है आपने या वर्शिप क्या करनी है, वर्शिप जो आपने करनी है 108 नाम भगवान शिव के हर रोज सुबह उच्चारण करने हैं सारा महीना मार्च के। शिव चालीसा का उच्चारण करना 3 बार 5 बार या 7 बार मंथ ऑफ मार्च में, और एक येलो सफायर और पर्ल आपने पेंडेंट बनाकर गोल्ड में अपने गले में डाल लेना है थर्सडे वाले दिन या मंडे वाले दिन। इट विल बी वर्क फॉर यू पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को लेके ये आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान शिव की जितनी उपासना करेंगे उतना अच्छा है। 9th मार्च के बाद आपने मंडे वाले दिन नमक चमक रुद्र अभिषेक करवाना है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इन द मंथ ऑफ मार्च आफ्टर 9th मार्च 2024 के बाद आपने नमक चमक रुद्र अभिषेक करवाना है 9 मार्च से लेकर नेक्स्ट 14 दिन तक, यानी कि आप लगा के चले 9th मार्च टू टिल 21st ऑफ मार्च और 22nd ऑफ मार्च के बीच में जो भी मंडे आएंगे एक या दो उसमें आपने नमक चमक रुद्र अभिषेक करवाना है। भगवान शिव की उपासना इस सारा महीना करनी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। पर्सनल रिलेशनशिप को बैलेंस बनाने के लिए कम्युनिकेशंस बंद नहीं करने, अगर आपने कम्युनिकेशंस बंद कर दिए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाएंगी। अपने एफर्ट्स लगाते रहें कैंसर प्रोफेशन में लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ की ओर तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम पिंक फॉर योर हैप्पी फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर योर लव। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।